विशेष पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर घटना चक्र 2 सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 27 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर घटना चक्र 2 सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यह इसका पूर्ण रूप है, मतलब फुल फॉर्म है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा हायरार्की का आरोही क्रम है? तो कौन सा डेटा जो है हायरार्की का आरोही क्रम है? आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। तो प्रश्न 2 का सी सही, आपका बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस, मतलब सबसे छोटा बिट होता है, 8 बिट का एक बाइट बनता है, उसका फील्ड होता है, फिर रिकॉर्ड होता है, फिर फाइल होता है, फिर डेटाबेस होता है। तो इस तरह से विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, WWW किस मॉडल पर आधारित है? तो यह क्या है, लोकल सर्वर है, क्लाइंट सर्वर है, 3 tier है, या इनमें से कोई नहीं है? तो यह आपका क्लाइंट सर्वर है, क्लाइंट सर्वर है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है यह आपका क्लाइंट सर्वर है। विकल्प बी जो है वो आपका सही है, 3 का B। और वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक क्लाइंट सर्वर है, और सामान्यतः यह सर्वर प्रोग्राम क्लाइंट प्रोग्राम से रिक्वेस्ट प्राप्त करता है तथा क्लाइंट की प्रतिक्रिया देता है। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित है? तो यह किसमें ऐसा अपेक्षित है ये आपको बताना है। तो प्रश्न 4 का ए आपका सही है, शोध प्रबंध या लघु शोध प्रबंध, यह आपका सही है। तो प्रश्न 4 का ए ऑप्शन जो है आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, अनुसंधान लाचार का अनुसंधान की किन अवस्थाओं के साथ बहुधा प्रत्यक्ष संबंध होता है? तो किन के साथ बहुधा प्रत्यक्ष संबंध होता है? तो 5 का B है सही, समस्या प्रतिपादन या अनुसंधान निष्कर्षों को प्रतिवेदित करना। तो विकल्प सी जो है 5 का B जो है आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, चिंतन शिक्षण है एक समस्या केंद्रित शिक्षण है, चिंतन शिक्षण जो है एक समस्या केंद्रित शिक्षण है। तो चिंतन स्तर शिक्षण में शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है ताकि छात्र स्मृति और बौद्धिक स्तर के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। चिंतन स्तर पर शिक्षण समस्या केंद्रित होता है, इस स्तर में अध्यापक बच्चों के सामने चुनौती उत्पन्न करता है और बच्चों को उस पर अपने स्वतंत्र चिंतन करने की समस्या देता है। इस स्तर में बच्चों में आलोचनात्मक और मौलिक चिंतन उत्पन्न होता है। प्रश्न 7 देखिएगा, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस जो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस 2022 का मुख्य विषय क्या है, मतलब थीम क्या है, यह आपको बताना है। तो 7 का A सही आपका, भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना, यह आपका थीम था 2022 का, भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना यह थीम था, और विश्व जल दिवस 2022 का मुख्य विषय भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना था। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 8 देखिएगा, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? तो शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 आयोजित किया गया है बीजिंग में, बीजिंग जो है चीन की राजधानी है आप जानते हैं। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है, और 2022 में यह 24वां संस्करण था, 24वां वर्जन था, चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित किया गया है। बीजिंग पहला शहर है जिसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल एवं शीतकालीन ओलंपिक खेल दोनों की मेजबानी की है। तो यह ऐसा शीतकालीन भी हुआ है और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल भी बीजिंग में ही हुआ है। प्रश्न 9 देखिएगा, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है? तो प्रश्न 9 का बी ऑप्शन सही है, शियर 9 का बी शियर। तो देखिए, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे शियर कहते हैं, बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो अम्ल वर्षा जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड कारण होता है, ना कि नाइट्रिक एसिड का। तो यही आपका जो है 10 का B आपका है, यही आपका सुमिलित नहीं है, बाकी सभी सुमिलित है। ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है, रॉकेट ईंधन जो है केरोसिन तेल, और ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह तीनों ऑप्शन सही है, कौन सही नहीं है, बी, क्योंकि अम्ल वर्षा जो है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। प्रश्न 11 देखिएगा, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो 11 का D ऑप्शन सही है, डी, मतलब पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, विकल्प डी, 11 का D ऑप्शन सही है। प्रश्न 12 देखिएगा, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, तो आइए सुमिलित करते हैं। तो देखिए, इसमें सी ऑप्शन जो है आपका सही है।
चौथा का जो सी ऑप्शन है ये आपका सही है। आइए सम्मिलित कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है इसमें। नहीं, 12 है ना, 12, 12 का सी ऑप्शन है, 12वां प्रश्न है, तो 12 का सी ऑप्शन सही है आपका। हाँ, इसको सम्मिलित कर लेते हैं। तो देखिए, इंतानकी जो राष्ट्र उद्यान है वह आपका नागालैंड में है। बेतला राष्ट्र उद्यान जो है झारखंड में है। कैबुल लाजमाओ जो है आपका मणिपुर में है। और गुइदी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका यह आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न 13 देखिएगा, सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है। सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है आपका गुड़गांव में। गुड़गांव कहाँ है, तो वह हरियाणा में। गुड़गांव का अब नाम हो गया है गुरुग्राम, यहीं पर यह सेंचुरी स्थित है। लीलावती की लेखक कौन है, भास्कराचार्य हैं। और यह गणित पर लिखी गई एक अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लीलावती रचना प्रसिद्ध गणितज्ञ खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने की थी। यह गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। वस्तुतः लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है। एक सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ है जो भास्कराचार्य का ही है, और उसी का एक यूनिट है लीलावती, उसी का एक भाग लीलावती। तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 15 देखिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रत्यक्ष प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो यह 15 का डी ऑप्शन सही है। लखनऊ समझौता जो हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य, वह हुआ था 1916 में। और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्रों में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर घटना चक्र 2 सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। धन्यवाद।